कोरोना महामारी के चलते बिगड़े प्रदेश के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जहां सरकारी कार्यालय शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए हैं, वहीं करीब 11 माह के बाद कोर्ट खुलने से अधिवक्ताओं के चेहरों पर भी रौनक लौटी है। जिला सत्र एवं न्यायालय कुल्लू के प्रांगण में चहलकदमी करते हुए अधिवक्ता काफी उत्साहित दिखाई दिए। करीब 11 माह बाद कोर्ट खुलने से न्यायालय कुल्लू के प्रांगण में चहल पहल लौटी है। सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और अन्य अदालतों में काम शुरू हुआ है। कोर्ट खुलने से जनता को बड़ी राहत मिली है। लोगों को न्याय से संबंधित लंबित मामलों में जल्द निपटारा होने की उम्मीद जगी है। कोरोना काल में अदालतों में कामकाज ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन अब ऑफलाइन कामकाज भी शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं ने सरकार से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। न्यायालय में देश के विभिन्न राज्यों से लोग काम के लिए पहुँचते हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि उन्हें कोरोना का टीका लगाया जाए। अपने बार एसोसिएशन और इस जुडिशियल जो परिवार है हमारा, उसको बधाई देता हूं कि इस पेंडेमिक में भी जिस तरह से जुडिशियल ऑफिसर और वकीलों ने काम किया, एक काबिल तारीफ है। क्योंकि हमारे बीच में यहां पर जो पैरामीटर्स जो सरकार ने स्थापित किए थे या गाइडलाइन जो मेडिकल्स की थी, वो हमने पूरी तरह से निभाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैक्सिमम काम निपटाया गया। आज खुशी इस बात की है कि लगभग एक साल के बाद जो है आज फिर से सुचारू रूप से कार्य शुरू हुआ है, और हम आशा ही नहीं विश्वास भी करते हैं कि आगे भी जो गाइडलाइंस पैरामीटर्स जो भी सरकार और विभागों द्वारा स्थापित होंगे उस पर हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को जो वैक्सीन दी जा रही है, पैरा मेडिकल स्टाफ्स, गवर्नमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड इनिशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी मिल रही है। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि जुडिशियल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रयास वकीलों का और हमारे स्टाफ का रहा है, तो उसके आधार पर जो है हम लोगों को भी वैक्सीन के लिए इनको चिन्हित करना चाहिए था। मार्च में हमारे कोर्ट्स बंद हो गए थे और आज 15 फरवरी को खुले हैं, और हमें तो खुशी है कि कोर्ट्स खुल गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि डर भी अभी तक बना हुआ है। क्योंकि पेंडेमिक करके जो हमने सबसे पहले, तो मैं इस बात पे करूँगा कि हमने एक अपने सीनियर एडवोकेट श्री बी आर राणा जी को खोया है, हमें उस बात का बहुत अफसोस है। और ये था कि पूरे पेंडेमिक में अच्छा जुडिशरी का भी साथ रहा, पब्लिक का भी साथ रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ रहा, जिसमें कोई कुछ ज़्यादा हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और सारे सेफ रहे। लेकिन इस एक साल में जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो काफ़ी डैमेज हुई है, और इसलिए सब उत्साहित थे कि भी कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।